सो हाय गाइस, दिस इज श्रेयस और अभी हम हैं कृष्ण की नगरी मथुरा में। और मथुरा में अभी आए, सुबह मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करे थे और पूरा हाथ पैर दुख रहे हैं। आ रहे हैं जा रहे गोवर्धन पर्वत, और अगर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाएंगे गाड़ी से तो लगेंगे 2 घंटे। परिक्रमा कुछ सीन नहीं करने वाले, दर्शन करेंगे, दर्शन कराएंगे और वापस आके गाड़ी में बैठेंगे। तो लेट्स गो। और जब गाड़ी पार्क करिए, वहाँ से गोवर्धन 1 किलोमीटर बोला है, अब देखो कितना होता है। सो गाइस, ये है गिरिराज महाराज का मंदिर, हमने यहाँ से प्रसाद लिया था और अब हम जाएंगे मंदिर के अंदर। तो ये पंडित जी यहाँ पर गिरिराज जी महाराज को प्रसाद का भोग लगा रहे हैं, और यहाँ पर से हमने हमारे प्रसाद का भोग लगाया था। तो देखो भोग कैसे लगाते हैं, वो भगवान को थोड़ी देर के अर्पित करा एंड उसके बाद से हमारा प्रसाद में से कुछ निकाल के रखा और उनमें से कुछ पार्ट इसमें डाला और ये भोग लग गया। सो अब हम लेके इसको आगे चलते हैं, आगे मंदिर में दर्शन करेंगे। सो गाइस, ये श्री कृष्ण और राधा रानी का मंदिर और जस्ट पास में है इसके श्री गिरिराज जी का मंदिर। यहाँ पर लोगों दूध चढ़ा रहे हैं और भीड़ बहुत है यहाँ पर, और हम लोग दूध में पैर आएगा। तो यही है गिरिराज जी महाराज और इन्हीं के ऊपर सब जने दूध चढ़ाते हैं। तो गाइस, इतनी भीड़ में ब्लॉगिंग करना बहुत कठिन होता है। मैंने एंटर होते समय ब्लॉगिंग नहीं करी, सामने वाले गेट से हम एंटर हुए थे और इधर मंदिर है लेफ्ट हैंड पे मेरे, और अब हम जा रहे हैं आगे। जय श्रीनाथ जी। ऐसा कहा जाता है यह वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाया था, और यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने कुशाल से लेकर वीडियो बनाई। और यहाँ पर पुजारी जी हमको मना कर रहे थे, बोल रहे थे ये बंद कर। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो गाइस, ये वही प्लेस है जहाँ पर कृष्ण जी ने इस उंगली पर पर्वत उठाया था और उधर दर्शन हो गए हैं। पास में शिव जी का टेम्पल है और इधर कामकेनेश्वर महादेव जी है, और मथुरा के चारों साइड शिव जी की मूर्ति है। आई विल शो यू। ये वही दूध है जो हमने वहाँ से खरीदा था, अभी यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, उधर भी कितना सारा वेस्ट हुआ। अब हम यहाँ से निकलेंगे और आप देख रहे हो कितनी भीड़ है, और इतनी भीड़ में ब्लॉगिंग करना इज नॉट पॉसिबल, फिर भी मैंने जैसे जैसे करके ब्लॉगिंग तो करी। गाइस, परिक्रम लगाने के बाद भी आप यहीं पर आओगे, यहीं से आपको एग्जिट होना पड़ेगा। सो गाइस, ये है मंदिर का फ्रंट। अब हम हमारी बिलिंग कम्प्लीट करते हैं, जो प्रसाद हमने लिया था उसका बिल पे करते हैं और चलते हैं यहाँ से आगे। तो ये रास्ता जाता है परिक्रमा के लिए, और आप देख रहे हो लोग कैसे लेट लेट के परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, ये मान मन्नत वाले लोग हैं। गाइस, दर्शन हो चुके हैं और परिक्रमा नहीं लगाई, परिक्रमा लगाते 2 घंटे लगते हैं और बहुत पब्लिक है, बहुत दर्शन हो चुका है, हम पूरी तरीके से भटूरा बन चुके हैं। तो ठीक है, हमारी दिक्कत कर रहे हैं। ये था गोवर्धन जहाँ पर कृष्ण जी ने इस उंगली में पर्वत उठाया था। तो आप करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से कर दो लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। और अब जाएंगे हम नेक्स्ट मंदिर हमारे मथुरा के।